सारे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे दौड़ चल रहा है, यहाँ पे दौड़ चल रहा है, शायद आर्मी का ट्रेनिंग है या फिर फिटनेस हो सकता है पर्पस। और देख सकते हैं बहुत ही हवा है, सुकून भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और ये चाय वाले लेमन टी वाले भैया, हाँ देखिए कुछ भैया मिल चुके हैं हम लोग के पास, तो आइए इस भैया लोग से बात करते हैं। बिल्कुल नहीं बोलेंगे भैया, जब कभी फोटो खींच लीजिए, वीडियो क्वालिटी बड़ी अच्छा आ रहा है, कोशिश ना कामयाब, फिर से ट्राई करेंगे। अग्निवीर की तैयारी चलो भैया, और ये अग्निवीर बनने की तैयारी है, और मोदी जी का अग्निवीर है ये, चाय वाला है भैया, और सब ठीक है ना, और भैया है भैया भैया भैया, अरे आए बोल दीजिए ना कैमरा में, कैमरा में आए बोलिए एक बार भैया, चाय वाला बहुत मेहनत करते हैं, चाय पीता है, जो भी अपना जनरल कोर्स की तैयारी करते हैं। अरे यार, अरे हमारे टीम के मैच में कल 32 रन खाए, बोलिए चार चार विकेट लेने वाला आज चार विकेट मिला है, कल बॉलिंग नहीं किए थे, कल जो बॉलिंग किए थे उनको आज छठमैन में क्रिकेट फील्डिंग करवा रहे थे हम लोग, और हमारे पीछे कैमरा के पीछे हंस रहा है। नाइस, कहाँ पे रहते हैं? पटना में, बस यही अपना घर द्वार है। अच्छा, तो यहाँ पे करते क्या है? क्रिकेट नीतीश कुमार का वो गढ़ है, ऐसे रहते नहीं है, हमको नहीं लगता नीतीश कुमार जाते होंगे वहाँ, कहाँ जाएंगे? आपको मुख्यमंत्री बन गए, मल्लिका पे लेंगे, वही ना आप सब बोले हैं कि आप इन फ्यूचर अब बड़े स्टार हो जाएंगे, तो हम लोग को भूल मत जाइए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे भी फ्यूचर स्टार हो गया भाई, बंदी है काली मैदान में होम डिलीवरी मिल जाएगा। सही बात है, सही बात है, ये हकीकत है। जेंट बैठे हुए मेरे पीछे लगे, नहीं मत दिखाइए, तो देख सकते हैं कि कितने अच्छे भैया, एक खुले दिल के आदमी है, तो बहुत मस्ती हुआ है। कैमरा मैन हमारे बैठ चुके हैं, एजेंट भाई, लेकिन आप नहीं बताएंगे, सकल से पता चलेगा, कैसे भी हो सकता है। मोदी जी क्या बोलिएगा, बोलिएगा मिक्सर चले जाइए, मिक्सचर होना चाहिए जो मन में आया बोलो। भैया हम छपरा से वाली, बिहार जिला में छपरा के नाम सुनना ही बारा जा, क्या चल रहा, ठीक बना? एकदम ठीक बा, मस्त बा, गांधी मैदान में खेल खेला था नहीं, और यहाँ पढ़ाई लिखाई सब बोल रहा है, तो हम लोग गाना सुना दीजिए भैया, एक गाना होना चाहिए, बहुत सारा युवा देखिए, अरे भैया हम सिंगर नहीं है, अरे बहुत चौरे समझा था, देख रहे हैं ना काशी कर रहे हैं पकड़ने के लिए, हम नहीं बोला ये बोले हैं कि कुछ और, हम बोले दादा की एक पानी भैया आ चुके हैं, पानी वाले बोतल भैया, बाहर जाने की जरूरत नहीं है हम लोग, ऐसे ही बिस्लेरी पीने का दिलाते नहीं है, क्या की जगह। और ये गेंद आ चुका है जिसको हम पकड़ लिए हैं पीछे, भैया ओ भैया आया, भैया नहीं भैया इनका है, दीजिए ना घर ले जाके जाइए, यहाँ पे थोड़ा बच कर आना पड़ता है, किधरों से गेंद आता है, मुंह कान फूल सकता है। हाँ, क्षेत्रफल काफी बड़ा है, तेजस्वी यादव मोदी जी या फिर कोई भी प्रधानमंत्री जो भी अच्छे अच्छे हैं, जो भी अपना इवेंट बिहार में करते हैं गांधी मैदान में, वो यही आते हैं, सबको यही आना है, यही रेल के चले जाना करते हैं, वो धरती है जहाँ पे मोदी जी आए थे और 2 करोड़ नौकरी दिए थे, कहाँ गया आपको पता नहीं, शायद हवा में उड़ गया, शुभम वाला लुक। अच्छा, सही बात है, सही बात है, और ये 15 लाख रुपया भी यही इसी ग्राउंड से मिला था हम लोग को, जिससे कि हम लोग अभी ऐश कर रहे हैं यहाँ पे आके, क्या भैया जमीन भी खरीद लिया, और 2-4 कट्ठा जमीन भी भैया खरीद चुके हैं मोदी जी के पैसा से, मिला नहीं लेकिन 15 लाख कर्जा जरूर एकदम। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, खुला हुआ, और ये ग्रुप जो है एकदम मस्ती करने के लिए सब आया हुआ है, ना थकान भरा जिंदगी जो है यही आके सब शांत होते हैं, सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वो बिस्कोमान है जो कि प्रिजर्वेटिव का काम किया जाता है, कोई भी चीज़ सड़े गले ना, सब्जी या फिर कोई भी चीज़ तो उसमें रखा जाता है, बेसिकली वो बहुत बड़ा फ्रीजर है, और वहाँ पे गांधी जी का बहुत बड़ा मूर्ति भी है जिसके नाम पे ये मैदान का नाम है। कॉमन बिल्डिंग को देख सकते हैं कि कितना ऊंचा है, एक समय में
कहा जाता था कि पटना का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है यही। तो देख सकते हैं कि सुपौल के हमारे बहुत भाई मिल चुके हैं जो कि अभी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं और पकड़ पकड़ के इतना सब्सक्राइब करा रहे हैं। भैया सब एकदम खुशी से कर भी रहे हैं, सब्सक्राइब करवा नहीं रहे हैं, हम लोग अपने मन से कर रहे हैं। सर भैया बहुत अच्छे हैं, बात करने में बड़ा अच्छा लगा। आप लोग भी जिस मतलब वीडियो अगर देखते हैं पहली बार तो जरूर मतलब सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक शेयर तो कीजिए। नाम बता दीजिए सर, याद रहेगा। मिथिलेश मिथिलेश में। अच्छा आपका भैया नाम? भैया नाम बता दीजिएगा।